भी है वेदा के दीदी आवाज नहीं क्लियर आ पर रही, आवाज क्लियर नहीं है। करते हैं जितना सुनाई देता 20 साल के मोहरा के मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे और पवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बन गया। अब फिर पवित्र बन। अच्छा प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता सा वंडर लगता है? खुद के ऊपर वंडर लगता है, और फिर बाबा कहते हैं बाप को कौन सा मुंडे लगता इसको ठीक कर आवाज क्लियर नहीं है। दो। बाप बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, तो हम किसके बच्चे थे? ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला है, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया इतनी फौगी आ गई जो रचिता और रचना को सब भूल गया। तो बाप को बच्चों पर वंडर लगता है, मतलब बच्चों को बाप पर वंडर लगता है कि हम क्या थे, मतलब कैसे कैसे भूल गए हम बाप, अपना देवता स्वरूप को भूल गए। और बाबा को बच्चों पर वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे, रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। इसको क्या इसके साथ इतना नहीं होगा? चादर क्यों हटा रहा है इसको? वो पे चढ़ आवाज ओके ठीक है, आवाज ठीक है। ओम शांति। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरे ग्लानि करने लगे। उसको ले जाओ वहां पीछे, रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए?
हम सत्तो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी नीचे उतरे, पांच स्वरूपों का अभ्यास हो रहा है। रावण आया, गोया इतनी फौगी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फौगी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन ट्रेसेस ऑफ रिमेम्बरेंस था घर का, वैसे भूल गए पर कुछ ट्रेस था घर का। क्या ट्रेस था? घर का, हाँ। उंगली कभी भी कहाँ जाती थी? ऊपर, ऊपर जाना है, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। तो भूल गए लेकिन ट्रेसेस तो थे ना कुछ ना कुछ। अच्छा, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। ये भूमि फिर देखो क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराए राज्य में तो जरूर दुखी मिलेगा, कितना तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे परंतु मिले कहाँ। बहुत लोग कहते हैं ना सीकिंग सीकिंग सीकिंग, मैं बहुत बड़ा सीकर थी, हम रिलीजन की गॉड की सीकर थी। तो बाबा कहते हैं कि अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे परंतु मिले कहाँ, जिसको पत्थर भिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल तुम भटक भटक कर जैसे फा हो गए, अपने अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया, भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके। आधा कल भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। इधर अटेंशन दो अमिताभ, वहां नहीं, इधर अटेंशन। तो भक्ति मार्ग में कितने भटके हैं, भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। अच्छा, क्या देते हैं? भक्ति का फल भगवान क्या देते हैं? वैसे ये भी एक ट्रेसेस है दुनिया में, क्या मानते हैं भक्ति का फल क्या है? ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल ज्ञान, ये मानते हाँ हैं इवन दुनिया में, भक्ति में भी मानते हैं। वो अलग बात है कि सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती, ये हो जाए वो हो जाए, वो भक्ति नहीं है। वो तो ऐसे मांगना है कि मेरा ये काम हो जाए, इसलिए वो भजन आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है, तो बिल्कुल बुद्धू बन गए। ये सब बातें क्या देते हैं वो तो कोई जानते ही नहीं है। अगर मैं कमाई कर रही हूं, मैं इस जॉब कर रही हूँ, इस जॉब से मुझे मिलेगा क्या, ये तो क्लियर होता है ना, बल्कि ये तो पहले ही डिसाइड होता है। तो मैं भक्ति इतनी कर रही हूँ, मुझे मिलेगा क्या, ये नहीं पता। इतना भक्ति करने के बाद अल्प काल का ही सुख मिलता कि भाई दर्शन हो गया बस खत्म, तो फिर तो नहीं क्लियर है ना। तो अब वो सोचे मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मतलब छोड़ दो भाई, कमाई करते हैं, जॉब करते हैं, कमाई कमाई करके चाहते क्या है, जैसे कि भाई और ही अच्छे से मैं जो जिस कंडीशन में हूं उस कंडीशन को और अच्छे से निभा पाऊं। तो मुक्ति होना मतलब क्या है, मेरी ये कंडीशन तो ठीक नहीं होनी, तो बाबा इधर से मुझे छुड़वा दे। तो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल बुद्धू बन गए, ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बनते गए। अपरम अपार दुख थे, पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख उठाया।
जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो अंदर में, ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। अब याद करो अपने सारा फ्लैशबैक। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती गई, मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया, वो फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाए। परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते हैं हम बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे कैसे? एक तो तुम विकार में गिरे, गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिकर भीतर में ले गए। गिरावट की लेवल, माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है तो बुद्धि में आना चाहिए ना, मतलब मैंने क्या क्या सोच लिया किसी के लिए, भगवान के लिए क्या क्या सोच लिया, ये भक्ति आदि के लिए भी क्या क्या सोच लिया। बाबा कहते बुद्धि में आना चाहिए ना, मेरी क्या बुद्धि हो गई, कभी ख्याल आया? कभी ख्याल आया कि ऐसे कैसे? ताली तो बजाई होगी ना, ज्यादा भक्ति नहीं की होती, ताली तो बजाई होगी मंदिर में जाकर, एक घंटी तो मारी होगी ना, कभी मारी कि नहीं? इतनी तो नहीं, सभी करी है ना। तो ये सब क्या कहते हैं, मैं घंटी ताली बजाने का मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ सारे बिलीफ को। जगदीश हरे की हाँ आरती गाई तो ताली बजाई थी ना, गाया भी था साथ में, गाया था ना, तो फिर ये सब एग्री करो ना कि क्या क्या हम कह रहे थे, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, रॉन्ग इज रॉन्ग। थोड़ी सजा में फर्क पड़ सकता है, लेकिन रॉन्ग तो था ना, सपोर्ट तो किया ना उसको। तो बाबा कहते हैं एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाप रोज रोज कहते, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते कि बाप कहते हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवता हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सको, और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए, हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितने दुखी हुए हैं हम। शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं है। बाप कहते तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां ये विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा, ये तो विश्व के मालिक थे ना। फिर ये कहाँ गए, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है जैसे 5,000 वर्ष पहले की थी, सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, एक्यूरेट पुरानी जब होगी, एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना, थोड़े पुरानेपन में नहीं आते हैं, पूरा पुरानापन चाहिए। बाप बिगड़ तो कोई समझा ही न सके, भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। निराकार अच्छा फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। आप बाप समझाते पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं, आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है, एक तो काम की क्रिमिनलिटी वो मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार है,
कोई भी क्रिमिनल फीलिंग या क्रिमिनल देह को देख के कुछ भी संकल्प आया, अच्छा है ये भी, सब सब किस में जाएंगे? क्रिमिनल क्रिमिनैलिटी। तो बाबा इसलिए कहते, पहले है ये क्रिमिनैलिटी, वो मुश्किल छूटती है, फिर साथ में पांच विकार है। क्रोध की क्रिमिनैलिटी भी कितनी है? एनीथिंग जो आत्मा के शक्ति को मार देना, मतलब मार रहा है ना, क्रिमिनल मतलब मार दिया, तो क्रोध भी आत्मा की शक्ति को मार देता है। दूसरे को निरुत्साह कर देना, क्रोध क्या करता है? दूसरे को अपने तक सीमित रखना, जो क्रोधी होता है ना उसके सामने कोई खुलकर बोलता नहीं है, तो उसकी फीलिंग्स को एकदम वो दबाता जाता है। एक जन एक्सप्रेस करता है तो दूसरा जन सप्रेस करता है, तो ये भी क्रिमिनलिटी है। कि बैठे बैठे भूत आ जाता है, ये भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो नहीं हुए ना, नतीजा क्या होगा? ये सब क्रिमिनल, क्रिमिनल दृष्टि, क्रिमिनल वृत्ति, क्रोध किया, मैपन आया, तो ये सब उससे क्या नतीजा क्या हुआ? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। कब? ज्ञान में आने के बाद अगर ये क्रिमिनल रही, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। अब देखो कितना, इसलिए योग क्यों नहीं लगता है? ज्ञान में इतना अच्छा प्यार है सबको, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मर्यादा उल्लंघन कर देते हैं। तो ये बाप घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे, बाप समझाते, क्रोध किया, स्वयं की एनर्जी कम की, बैटरी डाउन की, दूसरा उसके भी संकल्प चलाए, तो उसके संकल्प मुझे और इफेक्ट करेंगे, और मैं डाउन होंगी, और डाउन होंगी, और क्रोध करूंगी। जितना आत्मा डाउन होगी उतना आत्मिक शक्ति कम होगी, उतना इन सब विकारों का सहारा लिया जाएगा, और जितनी आत्मिक शक्ति पावरफुल है, ये सब विकार कभी भी किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं होगी। तो सिविलाइज तो नहीं हुए ना, तो घड़ी घड़ी फिर क्रोध करते रहेंगे, बाप समझाते, तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं होना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्रोध मत करो, पांच विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए, सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो, इन पांच भूतों ने तुमको गिराया है, अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी, तुम घर में पहुंच जाएंगे। और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते हैं भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। बाबा ने पूरे संगम युग में सर्वव्यापी का कुछ भी वर्ड अटर नहीं किया, फिर ये वाला कंसेप्ट हमारे में इतना पावरफुल कैसे हो गया? संगम युग में कभी सीखा ही नहीं, तो फिर भगवान सर्वव्यापी है, ये कैसे पावरफुल हो गया ये कंसेप्ट? जब बैठो जहां बैठो उसका एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए कह दिया सर व्या माइंड की फीलिंग रहती है सारा सारा समय, तो उसके कारण फिर वो एक फीलिंग हो कि भगवान सब जगह है, ये फीलिंग हमारी इधर की, तो कंसेप्ट बना लिया फिर हमने। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंच भी तुम हो, तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो, इन पांच भूतों ने तुमको गिराया है, मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती, मनुष्य से देवता बन जाते, तुम वर्षा पा लेते हो, वैसे पानी
पढ़ लिख लेते हैं लेकिन फिर भी बुक्स रखते हैं थोड़ा रेफरेंस के लिए, बीच बीच में काम आता है ना बुक्स, ये लॉ है मेडिकल है वो रखते हैं ना। तो हम लोग भी थोड़े बहुत ऐसे पढ़ लिख लिए, डिग्री मिल गई, देवता बन गए, तो थोड़े बुक्स रखने चाहिए थे वहां। हाँ रेफरेंस तो फिर वो मेंटेन्ड रहता है ना, नॉलेज मेंटेन्ड रहता है। बाबा ने अलाउ नहीं किया यहाँ की बुक्स लेने, एक दो अव्यक्त मुरलिया वहां रख लेते थे तो थोड़ा रिफर करते रहते थे, है ना सतयुग में। पर बाबा कहते इतना स्वरूप में ज्ञान आ जाता है कि अब फिर बाद में कुछ भी ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती, कंप्लीट एंजॉयमेंट की लाइफ है, डिवाइन एंजॉयमेंट, सत्युग त्रेता की लाइफ। तो बाबा कहते हैं मैंने मैंने तो राजयोग सिखाया है और कहां तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती, मनुष्य से देवता बन जाते, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की बात ही नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो, शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, यह भी भावी। तुम समझते हो रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी। देखो बाबा के सारे मुरली में, मुरली के दौरान आत्मा सुन रही है, आत्मा बोल रही है, शरीर को समझते ही क्यों। तो कितना आत्मा कंसेप्ट नहीं है, फिलोसफी नहीं है, प्राथमिक फीलिंग में, वो कार्य भी आत्मिक फीलिंग में करना। अच्छा तो बाबा कह रहे हैं अगर शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, शरीर समझने से मतलब क्या क्या समझने से ज्ञान उठा नहीं सकते, नहीं देह, हाँ देह है और मैं मेल, जेंडर, जेंडर समझने से, पोजीशन, मैं ये हूं मैं वो हूँ, ये कि मेरा ये पोजीशन है, ये समझने से। मुझे तो ऑलरेडी और सब पता है, मैं हाँ तो सब ज्ञानी हाँ आत्मा पहले से ही हूँ शास्त्र पढ़ के। वैसे ही पूरा मुझे पता है, सारा ज्ञान मुझ में है, ये समझने से। तो ये सब समझने से मैं इस फैमिली की हूँ, मुरली के समय सिर्फ मैं आत्मा बाबा की बच्ची और कुछ नहीं, मैं तो ये मैं तो वो। तो बाबा ने कहा शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, तो शरीर मतलब ये सारा कुछ समझने से, ये भी भावी। तुम समझते हो रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर वासी है, भल मनुष्य गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे, ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते, रहना भी अपने घर में है, और बुद्धि से समझना है कि हम शूद्र नहीं हम ब्राह्मण है। अच्छा ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते क्या करो। देखो बाबा ने कुछ मना नहीं किया, गृहस्थ में रहो धंधा आदि करो, सिर्फ बाप को याद करो, कुछ भी मत करो, इधर मेरे लिए टाइम भी मत दो, हाँ मुरली सुनो इतना टाइम दो, पर बाप को याद करो। मुरली सुनना कोई मेहनत का काम है क्या, पार्किंग करना मेहनत का काम मुरली के समय, बाकी मेहनत नहीं है। तो अब इतना सा तो थोड़ा, वो सन्यासी आते थे तो कितना दूर दूर ना, माता है छोटे छोटे बच्चे को लेकर जाती थी, दो दो महीने पहले जमाने में नहीं होते थे, कितनी मेहनत करती थी एक गुरु जी के, तो इतनी पार्किंग जितनी थी तपस्या तो करनी पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कितना हम दुखी थे, तुम्हारी बुद्धि में है कि सॉरी, अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है, शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे बाकी चले गए, बड़े बड़े झाड़,
बहुत बड़े बड़े फैमिलीज की फैमिली आई शुरू में, चंद्रमणि दादी की पूरी फैमिली थी ना, तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को देख के कई फैमिलीज, लेकिन उसमें सारे नहीं रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने राज्य में थे, फिर यहाँ अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं, नहीं आते तो गोया विकार में गए, गिरे, कुछ टफ लगा होगा पढ़ाई, वैसे इंटरेस्टिंग है, वैसे कुछ टफ भी है टफ, देखो मेडिकल से भी टफ है मेडिकल से तो इजी है ना, देखो इतनी क्या क्या किताबें इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, नहीं उससे कितनी टफ है, एक छोटी सी मुरली, क्योंकि वहां एम था मुझे ये बनना है, तो सारे चैलेंज स्वीकार कर लिए। तो जब एम होता है ना, डिफिकल्ट भी इजी लगता है, और सपोज थोड़ा सा एम में ऊपर नीचे अगर हो तो सिंपल भी डिफिकल्ट लगता है, ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं कहां राजा कहां नीच पद, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके, पहले रेगुलर थे, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे, कहां राजा और कहां नीच पद, बस सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का, बड़ा मर्तबा कौन पा सकते, यह तो सभी समझ सकते हैं, अभी हम अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है, वह किंग तो पाई पैसे के है, महेंद्र भाई भोपाल के, भोपाल जोन के निमित्त है, अभी अवधेश बहन है, तो अवधेश बहन के पहले महेंद्र भाई होते थे, तो पूरा उन्होंने मतलब भोपाल जोन के हेड थे, निमित्त थे, और हापुड़ से ज्ञान लिया था उस समय, जब वो हापुड़ का केस हुआ था उस समय आए थे, तो उस समय उन्होंने बहुत मदद की थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आदि का, तो उसके बाद तो फिर भोपाल और जहां जहां जाते थे वहां शिव बाबा का झंडा गाड़ देते थे, छत्तीसगढ़ सब आजू बाजू बहुत जगह सेवा स्थान खुला खुलते गए, कितने हैं भोपाल में आज मोर देन 500 सेंटर्स हैं, तो और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है, तो आईएएस की आई ये जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी बहुत अच्छी सेवा की उन्होंने, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के वो चेयरपर्सन थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है उसमें केवल ब्यूरोक्रेट्स की सेवा, ये जो इस तरह के लेवल के होते हैं ना, डायरेक्टर है, कलेक्टर्स है, सब आईएएस वाले, तो बाबा कहते हैं कि और किंग महिंद्रा बहुत अच्छी फैमिली के थे, तो बाबा ने कहा कि नाम है किंग महिंद्रा तो किंग ही हो गए ना, वो तो राजा ही हो गए ना वहां के। हाँ हाँ बाद में भी राजा ही रहे, किंग महिंद्रा भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है, वह किंग तो पाई पैसे के है, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है, पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके, बाप बच्चों को समझाते अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंखें बोलो कहां क्रिमिनल तो नहीं होती, देखना है कोई भी किसी भी तरह से, कोई एड देखा कुछ देखा, कहीं बुद्धि तो वहां जाती तो नहीं है, किसी भी कंप्लीट सिविलाइज्ड दृष्टि, तो इतनी जांच करनी है, अगर सिविलाइज्ड हो जाए तो फिर बाकी क्या चाहिए, भल विकार में नहीं जाएंगे परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती है, नंबर वन है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविलाइज्ड आइज, वो क्रिमिनल क्रिमिनलाइज्ड बोलते हैं ना ZED, पर वो आइज्ड है भल
बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना। देखो उन अगर सिविलाइज्ड हो जाए तो और क्या बचा, क्या कुछ भी तरह से, मतलब कंप्लीट स्वयं के प्रति भी सिविल दृष्टि, तो ऑटोमेटिक अन्य के प्रति सिविल दृष्टि होगी। ऑटोमेटिक स्वयं के प्रति आत्मिक फीलिंग, दूसरे के आत्मिक, स्वयं के प्रति देह भान की फीलिंग नेचुरल है, दूसरे के प्रति जाएगी। जब हम बहुत, कितने बार हमने डिस्कस किया था, जब हम बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, फर्स्ट क्लास ड्रेस पहन के जाते, तो कहाँ दृष्टि जाती, हमारी दूसरे के प्रति, है ना। बहुत अच्छा सूटकेस लेके जाओ, कहाँ दृष्टि जाएगी हमारी। तो जैसी हमारी वृत्ति हमारे लिए होगी ना, हमारी दूसरे के लिए भी वही वृत्ति। तो क्रिमिनल आईज इसलिए क्योंकि क्रिमिनल आईज स्वयं के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना कि ये क्या कर्म कर रहे हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनलाइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चलो और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं। आज का क्विज भी मैच करता है, मुरली भी मैच करती है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा ही नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी है। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती है, बताते ही नहीं है। तो अगर बताया नहीं, अगर सपोज हमारी बुद्धि जा रही है, बताया नहीं, तो वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा के पेटेंट वर्ड, बताने से वो बाबा मदद तो करेगा। बाबा तो आज बाबा के कमरे में लास्ट में जाते हैं ना मुरली के बाद, तो बताओ अपनी जो जो भी खामी है बाबा, ऐसे ऐसे है। और देखो बाबा कैसे निकालता है उस खामी को। बाबा ने बोला ना, मैं सोचता मैंने तो हूँ, हमने बाबा बहुत, हाँ ने आज के अभी बोला ना कि बताएंगे तो मैं सोचता होगी, तब तो करेंगे हाँ ना। हाँ महसूस था कि शक्ति, कितनी पावरफुल बाबा का स्टेटमेंट था। और बताने से, और फिर प्लस उसके प्रति हम रियली सिंसियर है कि मुझे निकालना है, तो हम थोड़ा अभ्यास करते हैं उसके लिए, वो पर्टिकुलर विकार जड़ से निकल जाता अगर रियली वो करते थे। तो ये एक्सपीरियंस किया था। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, बताते ही नहीं है तो वो वृद्धि को पाती रहती है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे होते नहीं। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार ही नहीं था, वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं। वहां वह तो है राम राज्य, वहां रावण कहां से आया, दुनिया पूरी चलेगी पर रावण राज्य नहीं थे। थोड़ा सा भी काम विकार नहीं, थोड़ा सा भी दैहिक दृष्टि नहीं, थोड़ा सा भी मोह नहीं, कंप्लीट नष्ट मोह, मतलब कोई का किसी के प्रति मोह है ही नहीं। सिक्योरिटी है कि नहीं। मोह कभी कभी एक सफोकेशन होता है, बहुत मोह होता है ना तो बहुत केयर करते, बहुत ओवर प्रोटेक्शन होता है, तो ये भी बच्चों के लिए कभी कभी ओवर वो सफोकेशन होता है। तो बाबा कहते मोह ही नहीं मनुष्य की बुद्धि, तो अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको देखो क्या हो गया। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, किसने की, सब कुछ बता के, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, किसने किया, हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं। रावण मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने, यह भी भूल गए। कहते वो ये तो परंपरा से चला आता है,
अरे परंपरा कब से, ये जो सृष्टि चल रही है ऐसी हम परंपरा से देख रहे हैं। परंपरा का मीनिंग क्या है, किस इरा को परंपरा की शुरुआत कहेंगे, बोलो। हिस्टोरियन है कोई? नहीं, मेडिवल वर्ल्ड बोले, मेडिवल एज बोले, कौन सी एज को बोले परंपरा, कोई आंसर है? रमेश बहन, हिस्ट्री जानते हो आप, नो आंसर परंपरा दीदी, बोल परंपरा दिया, क्योंकि आंसर ही नहीं है तो का। क्या बोलेंगे, एंशियंट बोल दिया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स तो मालूम नहीं, तो बोल देंगे प्राचीन, परंपरा, सनातन, अच्छे ये वर्ड यूज कर लेते हैं। अब तो बाबा केयर गृहस्थ आश्रम परंपरा से चला आ रहा है, क्योंकि द्वापर युग 2,500 साल हो गए, अब 2,500 साल की उससे पहले की बातें तो थी नहीं, हिस्ट्री में नहीं है सत्ययुग, तो फिर सोचा ऐसे ही चला रहा है। और फिर इम्पोर्टेंट है कि शास्त्र में भी सत्ययुग को ऐसे बोला, हिरण्याकश्यप, ये असुर होते, तो बहुत गड़बड़ हो गया ना। बाबा कह रहे हैं कुछ भी समझते नहीं है, बाप समझाते तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं, क्रिश्चियन भी कहते पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है ही नहीं, पुराने थे पुराने हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण होंगे या इनो की कोई वस्तु होंगी, सबसे पुराना जो एकदम सबसे शुरुआत में सतयुग में होंगे वो सबसे पुराना, क्रिश्चियन भी कहते हैं तो सबसे पुराने थे पुराना है कि उससे भी पुराना, तो कृष्ण आया कृष्ण ना सबसे पहले, पर वही नारायण भी कृष्ण तो वही नया बना से दीदी। नया, अच्छा नया से नया कौन है, पुराने नया से नया से भी पुराना, वही है, नया से नया, पुराने से वही है पुराना, नया श्री से नया। ब्रह्मा तो पुरानी दुनिया के, दाढ़ी मूछ है पूरी, श्री कृष्ण नया से कृष्ण नया, कृष्ण ही श्री तो कृष्ण। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गया, वैसे देखे तो पास्ट, तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, सांवरे कृष्ण को देखकर भी बड़े खुश होते, झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे, उनको क्या पता कि गोरा कब था, कृष्ण को कितना प्यार करते थे, राधे ने क्या किया, फिर ये इस्कॉन के गोरे क्यों हो गए कृष्ण, बाकी सब जगह सांवरे, मतलब उनका पेटेंट है कृष्ण गोरे ही होंगे, श्री कृष्ण जनरली इस्कॉन के गोरे दिखाते, कहीं कहीं सांवरे दिखाते, कॉम्बिनेशन है पर जनरली गोरा दिखाते। तो बाप कहते तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो, माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्रा हप कर लेता है ना, ऐसे भी है बाबा कहते, ऐसे भी बाबा के बच्चे आज कंप्लेन है सारी, कभी कभी कंप्लेन की मुरली हफ्ते में एक बार होती है बाबा की, तो बाबा कहते ऐसे भी बच्चे बाबा के बैठे हैं कि बोलो बताओ, अभी भागे कि भागे मतलब कुछ ऐसी बात हुई कि बस छोड़ देंगे, घोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते। ये बहन सुना रही थी, एक वीणा बहन, तो जो सेंटर पे थे, छोटा सेंटर था मतलब जैसे होते ना गांव में सेंटर, और छोटा सेंटर था, निमित थी इंचार्ज थी मतलब, और कुछ सेंटर में चेयर्स नहीं थी, तो बाद में दिक्कत तो होती है भाई बहनों को, तो फिर सबने सोचा कि चलो चेयर्स लेकर आते, सबने अपना अपना बोला कि हम लोग चेयर्स लेके आए, पूछा बहन को, बोला ठीक है लाओ, तो एक एक करके जैसे जैसे सब लेके आए। अब वो एक भाई था मेन, कुछ भाई था निमित्त, बड़ा धनवान था, तो उसने देखा अगले दिन पर सारे चेयर आ गए, बोला किसने लाए चेयर, तो कहा कि इन लोगों ने संकल्प आया, इन्होंने इसलिए लेके आए, बोलो मुझे पूछे भी कर कैसे लेके नहीं है, कैसे लेके आ गए, तुमको क्यों पूछना है भाई, निमित्त जो है वो उनको पूछ लिया,
नहीं मुझे पूछे बगैर कैसे मैं चलाता हूँ सेंटर को, बहुत बहस करने लगा। बोला ऐसे थोड़ी है, ये तो बाबा का घर है, बाबा चलाता है। बोला नहीं मैं चलाता हूँ, ऐसे थोड़ी। और बोला कि ठीक है अब मैं कल से नहीं आऊंगा मत, अब वो तो बाबा ही चलाता है ना, तो ऐसे कैसे बोल सकते कि नहीं ठीक। तो बोला ठीक है मत आओ, नहीं आए, चले गए। चले गए तो फिर अभी अच्छा था, पूरा सपोर्ट करता था सेंटर को। तो फिर सोचा कि कई भाई बहनों ने कहा कि ऐसे कर दो, उनको सॉरी बोल दो कि भाई ऐसे। अब वो कहते कि सॉरी क्या बोले इस तरह, ये तो कुछ कोई रूल का उल्लंघन ही नहीं किया ना भाई, सबके दिल हुई, सबने अपने संकल्प से अपने आप खर्चा किया और लाए और बहन को पूछ लिया, इसमें कोई रूल ही उल्लंघन नहीं। तो 7-8 दिन के बाद फिर बाबा को कहा कि बाबा वो तो आप जानो ये क्या माया है, तो अच्छा खासा भाई था। तो फिर वो योग के बाद उठी तो उसकी वाइफ आई दौड़ती हुई, तो कहा कि बहन जी आप मतलब, क्योंकि भाई भाई बहनों ने पहले बहुत बोला कि चलो हम चलते उनके घर में, सॉरी बोल देते, उनको लेकर आते, चलो बाबा का बच्चा ही है ये वो, पर सॉरी क्यों बोले, सॉरी तो ये गलती नहीं है ना, ये तो सॉरी क्यों बोले वो, तो इसलिए वो नहीं गए। फिर वो वाइफ आई 5-6 7-8 दिन के बाद, बोले बहन जी आपको बहुत बहुत हम सॉरी बोल रहे हैं, आप घर में चलो। क्या हो गया? बोला उनको 3-4 बुखार आ गई है और वो पूरे दिन ये रट लगा रहे हैं, मुझे बहुत माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैंने बहन को ऐसे कह दिया, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, ये कंटिन्यूसली कहते, तो प्लीज आप चलो। बोला ठीक है बाबा, बाबा ही करता है तो चलो ठीक है। गए तो उसने फिर बहुत सॉरी ये कहा, बोले देखो सॉरी तो आप जो भी है, आप वो तो बाबा से आपको जो भी माफी करनी है, पर बाबा के आप बच्चे हो ही है, ज्ञान का बीज है ही है और बाबा का घर आपके लिए, तो इस तरह से पैसिफाई करके बोला बोला आप हमको मुझे माफ कर दो ये वो, तो बाबा से माफी कर लो, बाबा माफ करेगा, मैं तो कोई, हम तो निमित्त है। अच्छा फिर और सब ठीक हो जाएगा, बस ये कह के गए। 1 घंटे के बाद पूरी बुखार उतर गई। तो बाबा कहते हैं कि कैसे अहंकार आने से अपना ही सत्यानाश कर लेते, मैं करता हूं, बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। फिर अहंकार होने के बाद नाराजगी भी आएगी, याद भी करेगा, सारे सेवा भी याद करेगा, मैंने ये किया, फंक नहीं हो जाए, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे बाबा ने ऐसे कहा हमारी इज्जत गई, अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट ही हो गई है, कोई इज्जत ही नहीं रही आत्मा की, देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, काम लोभ भी, सॉरी क्रोध और लोभ भी क्रिमिनल आई है, पहले काम फिर क्रोध अब लोभ। आंखों से चीज देखते हैं ना, देखो जहां भी आंखें गड़बड़ करे ना, लोभ में भी क्या उसका देखा, उसके जेवर देखे दिल हुई, उसका ड्रेस देखा दिल हुई, उसके फर्नीचर देखा दिल हुई, ये सब क्या किस कैटेगरी में आएगा? लोभ। तो बाबा कहते हैं मतलब एक होता है कि चलो इंस्पिरेशन लेते कि इस तरह के स्टाइल से होता है, बट फिर किसी भी वे से उसका ही चिंतन चले, ये लोभ, लोभ वृत्ति होती है, इंस्पिरेशन इज डिफरेंट है। बाप अगर अपना बगीचा दिखा देखते हैं किस किस किस्म के फूल है, यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं, बाबा बगीचे में देखते थे और फिर वापस शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते, वो तो है ही निराकार चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं है, ठहरता ही नहीं है, अरे फिर प्रजा भी तो चाहिए ना,
मेहनत की लेकिन फिर भी ठहरा नहीं। लेकिन वो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं जिनको मेहनत करते ना, चाहे 1 महीना ऐसे सुनते हैं फिर चले भी जाते हैं, थोड़ा कुछ वो फॉलो करते हैं, और कुछ नहीं, रोज 10 मिनट मेडिटेशन ही करेंगे, तो ये सब क्या हो गया, प्रजा में आ जाएगी। है ना। तो बाबा कहते हैं अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है, 33 करोड़। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है, एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस। अब पा रहे हैं, सॉरी, तो भी बस, एक बार सुना शिव बाबा है, सुनो तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। ये वर्कशॉप की सेवा करो, जो लेकर आएगा ना उनकी प्रजा बनेगी। सुना तो जिनके जो मैसेजेस डालते हैं उनकी तो बहुत बनेगी ना। फिर आपको पता है हमारी कितने मैसेजेस जाते हैं, कितने जाते हैं भाई आपके? 2,000, 200, 300, टोटल 3-4 हज़ार मैसेजेस जाते हैं। बाबा कहते थोड़ा भी सुना प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें स्मृति आनी चाहिए कि हम जिस राज्य में थे वो फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी पहला पॉइंट है शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना। शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाना है, हटाते जाना है। रुद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा है जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ, कोई भी विचार नहीं करना है। जो कुछ बीता, ये बहुत बड़ा और हेल्दी पुरुषार्थ है, ड्रामा, और ये कभी कभी लोगों को इरिटेट भी करता है। तो इतनी बड़ी बात हो गई, बस ड्रामा कह के चुप करा दिया। अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए, कभी शिक्षा मिलने पर पंख नहीं होना है। बाबा ने कोई शिक्षा दी, मुरली में कोई शिक्षा आई और नाराज हो गए, और ही वरदान है खुशी के, तो कभी शिक्षा मिलने पर पंख नहीं होना। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ, बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। खुशी का फीडबैक बहुतों का मिलता है ना, जो भी मधुबन में जाते कहते इनके चेहरे बड़े खुश हो, है ना। स्लोगन है अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है।
अनुभवी आत्मा किसी भी बात से धोखा नहीं खा सकती, और अगर धोखा खाते हैं तो अनुभवी आत्मा नहीं है। अच्छा, अब एक इशारे। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगी। अपनी शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगी। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है, उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके ऊपर उपकार की भावना बनी रहेगी। स्वाभिमान ज्ञान में, स्वयं का मैं निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, निमित्त बनने का भी मैंपन नहीं, बाबा ने मेरा भाग्य बनाया, कभी कभी स्वाभिमान भर देते। अच्छा जी, ये थे बाबा की प्यारी मुरली। ओके जी।